नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर दो राज्यों को लेकर आई है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी अभी बादल फट गया है। उत्तराखंड के अंदर बादल फटा रुद्रप्रयाग के अंदर, उधर दोस्तों किन्नौर के अंदर बादल फटने की वजह से भयंकर तबाही मच गई है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हाई अलर्ट पर हो गए हैं, यहाँ पर जबरदस्त बादल फूटा हुआ है जिसकी वजह से कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। 6 नाले दोस्तों उफान पर एक साथ आए हैं जिसकी वजह से आसपास के घर पानी में डूब गए हैं। लगभग दोस्तों अब तक 600 से ज्यादा घर पानी में तहस नहस हो गए हैं। आसपास के सभी गांव को अलर्ट मोड पर कर दिया है, सभी घरों को खाली करा दिया है, लोगों को ऊंचे स्थान पर भेज दिया है, सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। इस समय हाहाकार मच रहा है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग के अंदर बादल फटा जिसकी वजह से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है और अगले कुछ घंटों के भीतर टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के अंदर भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। उधर ऋषिकेश के अंदर गंगा नदी उफान पर आ गई है, आसपास के सभी घाट पानी में डूब गए हैं। आरती को भी बंद कर दिया गया है, लोगों को वहां से निकाल दिया गया है, किसी को भी गंगा के किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है। जगह जगह बाढ़ चौकियां विस्थापित कर दी गई हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने की वजह से तबाही मची है, वहाँ भी दोस्तों कई घर पानी में डूब गए हैं, घरों के अंदर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे हैं जिसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सड़कें भी दोस्तों टूट गई हैं, सड़कों में जगह जगह दोस्तों गड्ढे हो गए हैं जिसकी वजह से लगभग 187 सड़कें बंद कर दी गई हैं। पहले से ही दोस्तों यहाँ पर कई नेशनल हाईवे बंद थे लेकिन अब फिर से कई नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। उधर दोस्तों आपको बता दें, भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी हाई अलर्ट पर आ गई है, गंगा नदी उफान पर आ गई है जिसके चलते उत्तर प्रदेश के अंदर भयंकर बाढ़ आई हुई है। यहां पर भी दोस्तों वाराणसी के अंदर घाट डूब गए हैं, गंगा आरती भी बंद कर दी गई है, बिजनौर के अंदर भी हालात बेकाबू हैं, उधर प्रयागराज के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आप सभी से विनती है कि समय आप बाहर ना निकले, नदी नालों के पास ना जाएं, और आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।